हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन का ब्लॉग आपने शायद देख लिया होगा। वैसे जब तक आप लोगों के पास ये ब्लॉग आएगा ना, तब तक शादी अच्छे से निपट चुकी होगी। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी ड्यूटी करके, और 8:15 हो रहे हैं अभी। तो बाल का हेयर स्टाइल तो ऐसे ही, क्योंकि अभी फिर से होना है रेडी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से पकोड़े और थोड़ा सा मीठा चावल बना देती हूँ, क्योंकि बनाते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैंने दाल तो जैसा कि मेरा कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं जाता है जिसमें मैं कुछ ना करूँ, तो दाल मैंने सुबह से भिगो के रख दी थी। सुबह भिगो रखी थी मैंने कि मैं दिन में बनाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिला और लेट इतनी हो गई थी मुझे कि मैंने फटाफट से नीचे खाना खाया और मैं चली गई थी। तो अभी चावल भी भिगो रखे थे मैंने सुबह, तो बस अभी मैंने दाल पीस ली है। तो ये दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी और ये मैंने फटाफट से पीस ली है। तो थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। ये तेल गरम करने के लिए रख लिया है और ये गुड़ गलाने के लिए रख लिया है इसी प्रेशर पे ही। चावल भी बन गए हैं और पकौड़ियाँ भी बन गई है। थोड़ा बहुत मैंने जितना रूम वूम फैला हुआ था वो समेट दिया है। अभी जाती हूँ मैं थोड़ी देर रेस्ट करके नीचे, फिर मैं आपको बताऊंगी नीचे क्या क्या हो रहा है। अभी तो वहाँ कीर्तन चल रहे थे तो गई थी मैं, फिर आ गई ऊपर। तो अभी चलते हैं पहले नीचे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। Thank you.
हाथ में लगा लिए मेहंदी, किस टाइप का डिजाइन लगाया है, लगा लिया जो भी है, लेकिन मुझे इस टाइम करनी है। और यहाँ डीजे लगा रहा है।
हूँ।